हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो लाइव क्लास हमारा हुआ था उस पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे भी कुछ क्वेश्चन लेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने वो लाइव क्लास मिस किया था और मैंने उसको सेव नहीं किया है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन भी कुछ, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए थे वो आपको इसमें अभी मिलेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन का पार्ट अभी नहीं हुआ है तो कुछ क्वेश्चन हम सब्ट्रैक्शन पे भी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखना, और ये मैंने डिजिटल पैड पे बनाया है वीडियो, तो इसका मुझे फीडबैक भी देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर कोई आपकी तरफ से सजेशन होगा तो उस सजेशन को भी मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, है ना। कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और सारे प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लूंगा, सब कंसेप्चुअल होंगे, है ना। हर प्रॉब्लम पे से आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करना, उसके बाद फिर आंसर हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, ओके, तो देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले तो इसका स्टेटमेंट समझिए आप। स्टेटमेंट है कि टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट विथ एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 40√3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस। दैट मींस अगर मान लो कि मैंने बनाया, लेट सपोज देर आर टू फोर्सेस, ठीक है, और इन दोनों के बीच में मुझे एंगल कितना लेना है, ये एंगल मुझे लेना है 60 डिग्री। कितना एंगल है ये, 60 डिग्री। दोनों इक्वल फोर्स है तो मैं दोनों को क्या लिखता हूँ, एफ वेक्टर ही लिखता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट मैंने ओ लिया, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका देखो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो आपको मालूम है, अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, है ना। मतलब रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, रिजल्टेंट 30 डिग्री एंगल बनाएगा। और मान लो रिजल्टेंट को मैंने लिखा एफ नेट वेक्टर, तो वेक्टर के फॉर्मूला से एफ नेट मतलब जो कि रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मूला होना चाहिए एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर, ठीक है, प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एफ नेट दिया हुआ है कितना, एफ नेट है 40√3, है ना। F1 और F2 दोनों इक्वल है और दोनों हमें मालूम नहीं है, दोनों के लिए हम F यूज करते हैं, तो क्या हो गया ये F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये F2 नहीं है, ठीक है, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, और 2F1 F2 करोगे तो यहाँ पे फिर से 2F स्क्वायर, और cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, cos 60 कितना होता है, चलो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा 40√3 का स्क्वायर, करेक्ट है, इज इक्वल टू स्क्वायर आपने हटा दिया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मीन्स 2F स्क्वायर। 2F स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो ये आ गया 1 प्लस cos थीटा, क्या बताया मैंने, cos 60, 1/2, यही है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया 1600 × 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2F स्क्वायर × 2, है ना, 2 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, 2 2 कैंसिल, और इस तरफ अगर आप देखो तो ये इधर से 3 भी कैंसिल, यानी आपका वैल्यू क्या आया, आपका इधर आया 1600 और इस तरफ क्या है एफ स्क्वायर, दैट मीन्स एफ का वैल्यू √1600 एंड दैट इज 40 न्यूटन। दैट मीन्स ईच फोर्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे। लेकिन ये आपको
फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इसका इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर दो फोर्स क्या, कोई भी दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल बीच में होता है। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा, एंगल ये लाइन कौन सा है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो 60 डिग्री है, तो हाफ हाफ किया, तो डायरेक्शन का बिना फॉर्मूला लगाए आप बोल सकते हो कि रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। समझ में आई बात, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, देखो, ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल है और इससे भी आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो फिजिक्स में बहुत यूज होगा, है ना। क्वेश्चन क्या है कि टू इक्वल फोर्सेस, ठीक है, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर वेक्टर, देन एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड। ठीक है, कहने का मतलब है ये फोर्स मैंने लिया है, यहाँ पे फोर्स की जगह में वेलोसिटी हो सकता था, कोई भी वेक्टर हो सकता था, है ना। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी दो वेक्टर, मान लो आपने एक वेक्टर ए लिया, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और एक दूसरा वेक्टर है बी, उसका भी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और यही मैग्नीट्यूड है इन दोनों के रिजल्टेंट का, इन दोनों के रिजल्टेंट का भी यही मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए और बी के बीच का एंगल आपको बताना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो चलो ये तीनों इक्वल है, तो इन तीनों को हम क्या करते हैं, इन तीनों को मान लेते हैं कि ये एक्स इक्वल एक्स के इक्वल है। अब आपको ये जो रिजल्टेंट है a प्लस बी, इसका निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है कि r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब ये देखो r a b तीनों x है, तो यहां पे अगर आपने पुट कर दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा 2x इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक कैंसिल कर सकते हो, इस तरफ जीरो आ गया, अगर ये जीरो आ गया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू, यहां से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या मिला आपको, 1 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को इधर ले आओगे तो cos थीटा का आया वैल्यू -1/2। अब जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर किया है उनको मालूम है कि cos थीटा अगर -1/2 आ रहा है दैट मीन्स थीटा विल बी 120 डिग्री। यानी इस वाले क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे इसको, आप हमेशा याद रखो कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका भी वही मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों के बीच एंगल हमेशा कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। यानी अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो एंगल कितना होगा, 120, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछा कि चलो ये बताओ कि रिजल्टेंट का ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये देखो अभी आपने लास्ट लेक्चर में समझा था कि अगर कोई दो वेक्टर हम लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बायसेक्टर होता है। यानी अगर ये 120 है तो ये एंगल आप देख के बता सकते हो कितना है, यानी ये जो रिजल्टेंट है ये कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिखता हूं, ओके। अब देखो एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स है ना, इस क्वेश्चन में कल लाइव क्लास में कुछ डाउट्स आपको हो रहे थे, है ना, जो आप कमेंट कर रहे थे, मैं इसको देखो अच्छे से और समझाता हूं। यहां पे लेट सपोज ये एक सर्कल में मैंने यहां पे तीन वेक्टर्स बनाए हैं, है ना, चूंकि सर्कल का रेडियस जो होगा वो आर होगा इसलिए इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। ये एंगल है 90 डिग्री,
देयर आर थ्री वैक्टर्स ओके। तो आपको मालूम है वैक्टर एडिशन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कि अगर आपको इन तीनों को ऐड करना है तो पहले आप किसी दो को ऐड कर सकते हो। यानी चलो मैं पहले क्या करता हूँ, ओ ए वैक्टर और ओ सी वैक्टर को ऐड करता हूँ। ये ओ ए वैक्टर है और ये ओ सी वैक्टर है, मतलब इसमें मैं पहले इसको ओ ए वैक्टर और ओ सी वैक्टर को ऐड करता हूँ और फिर इसको ऐड करने के बाद जो आएगा है ना उसमें ओ बी वैक्टर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर आपको तीन वेक्टर ऐड करना है तो कोई भी दो को आप पहले ऐड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ओ ए और ओ सी के बीच एंगल क्या है 90, ओ बी बिल्कुल बीच में है, मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है 45 और ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री। अब सबसे पहले ओ ए और ओ सी को ऐड करता हूँ, ठीक है। आप देखो मैं उसके लिए फिर से आपको डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पे फिर सिर्फ दो ही वेक्टर बनाऊंगा, कौन कौन सा, ये वेक्टर है ओ ए और ये जो वेक्टर है ये है ओ सी। एंगल कितना है 90, ये भी आर है और ये भी आर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट को मान लो अगर मैंने आर लिखा तो आर कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड आर है, और प्लस 2 इंटू आर इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक है। 90 क्योंकि एंगल 90 दिया हुआ है, कॉस 90 जीरो होता है ना, ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू कितना आया रूट 2 आर, ठीक है। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा रूट 2 आर, ओके। अच्छा जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा बता सकते हो क्या? अगर मान लो मैंने इसका डायरेक्शन पूछा तो अभी आपने समझा है कि अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल इन दोनों के बीच में होगा, मतलब एंगल बायसेक्टर, यानी ये एंगल कितना होना चाहिए 45, ये भी एंगल 45। ये कौन सा वेक्टर मिला मेरा, ये आर वेक्टर मिला जो मैंने अभी निकाला, ठीक है। अब इस आर वेक्टर में जो आपने निकाला है इसमें मुझे एक और वेक्टर ऐड करना है, वो कौन सा वेक्टर, ओ बी वेक्टर। यानी अब जो हमारा आंसर आएगा, अब जो स्टेप हम लिखेंगे, इस आर वेक्टर में हमें ओ बी वेक्टर ऐड करना है, ठीक है। क्या खास दिख रहा है आपको कि ये जो ओ बी है इधर ही आर वेक्टर भी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और मैंने बताया है जब कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपली हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। एंगल क्या है स्पेशल केस में समझाया था मैंने, यानी अब इन दोनों को ऐड करोगे सिंपली दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर दो। आर का कितना मैग्नीट्यूड निकाला है आपने रूट 2 आर, ठीक है, और ओ बी का कितना है, ओ बी रेडियस ही है तो ओ बी का भी क्या हो जाएगा आर ही हो जाएगा, यानी आर अगर आपने कॉमन लिया दिस इज रूट 2 प्लस 1, और किधर है डायरेक्शन, डायरेक्शन इन दोनों को ओ बी के अलोंग आपने ऐड किया है तो आपका डायरेक्शन भी लिख देना पड़ेगा अलोंग ओ बी, दैट इज द आंसर, दिस इज बी, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में ये तीन वेक्टर जब ऐड करते हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इस बार ये समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा फील आया होगा, है ना। तीन थ्री वेक्टर्स में एक और क्वेश्चन लेता हूं देखो, है ना, उसके बाद आपको थोड़ा और ओके। अब देखो ये क्वेश्चन है कि एक क्यूब है और क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे, मैंने यहाँ पे एक कॉर्नर देखो ओ लिया है, यहाँ पे देर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग, वन फोर्स इज अलोंग ओ ए, वन फोर्स इज अलोंग ओ सी एंड वन फोर्स इज अलोंग ओ एफ, और आपको बताना है एफ नेट, ठीक है, आपको बताना है एफ नेट एट ओ, मतलब एक्चुअल में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फोर्स जो है ओ ए के अलोंग लग रहा है, मान लो ओ ए के अलोंग जो है इसको मैंने एफ वन वैक्टर लिया, ओ सी के अलोंग जो है इसको एफ टू लिया और इसको मैंने लिया एफ थ्री वैक्टर, तो एक्चुअल में आपको फाइंड करना है एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर प्लस एफ थ्री वैक्टर।
फिर से क्या करोगे, आपको मालूम है कि पहले आप इन दो दो वेक्टर को ऐड करोगे F1 और F2। जब भी मैं बोलता हूं ये क्यूब है, अभी आप लोग का थोड़ा स्टार्ट कर रहे हो क्लास 11, तो इमेजिनेशन थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। तो आप अपने रूम को इमेजिन करो और रूम के किसी एक कॉर्नर को देखो, रूम का ये एक वॉल है, पीछे का वॉल है, ये आगे का वॉल है और ये दोनों साइड वॉल है। तो साइड वॉल यहां पे पीछे में किसी वॉल के कॉर्नर को आप इमेजिन करो, यहां से तीन लाइन जाता है, एक ये जो है ये सॉरी ये एक जो है ये आपका ग्राउंड है। तो ग्राउंड में एक लाइन आप ऐसे जा सकते हो अलोंग द लेंथ और एक अलोंग द विड्थ, ये दोनों ये एंगल कितना है, तो ये एंगल 90 है। तो सबसे पहले तो जब ये F1 और F2 को ऐड करोगे तो एंगल ये क्या आएगा, 90 आएगा। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दोनों 6-6 न्यूटन है, मतलब 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और चूंकि एंगल 90 है तो आपको मालूम ही है कि cos 90 क्या होता है, 0, इसलिए ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। यानी ये क्या आया आंसर, ये आया 6√2 न्यूटन। अब ये जो आपने निकाला यहां पे रिजल्टेंट देखो, फिर से यहां पे दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा वो अलोंग दिस डायगोनल होगा, बिल्कुल बीच में यहां पे है ना। इसको इस वाले वेक्टर को मैं लिखता हूं आपके समझाने के लिए, लेट सपोज मैंने इसको आर लिखा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ये मान लो मैंने इसको R लिखा, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है, ये R वेक्टर है। अब आपको क्या करना है, ये जो R वेक्टर है और ये F3 वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना है। R वेक्टर जो F1 F2 को ऐड करके आया और F3 वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। अब फिर से ये एंगल कितना होना चाहिए, है ना, इस एंगल में थोड़ा आप लोगों को डाउट था, किसी ने बोला सर ये एंगल तो 135 होना चाहिए, यहां तक 90 है और ये 45 है, ऐसा नहीं है। ग्राउंड में, ग्राउंड से हमेशा वॉल 90 डिग्री पे होता है, ये जो लाइन है ना ये वॉल है और ये जो है ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड पे आप कॉर्नर से, जो आपने मैंने आपको कॉर्नर बोला उससे आप कोई भी लाइन ग्राउंड पे ड्रॉ करो, देखोगे वॉल उस पे क्या है, परपेंडिकुलर ही है ना। तो वॉल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड, इसीलिए ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। और अगर ये एंगल 90 है तो फिर से आप यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आर वेक्टर कितना आया है आपका 6√2 का होल स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है 72 का होल स्क्वायर। जब ये निकालोगे तो ये भी 72 है ना, यानी 144 √144, तो ये आंसर कितना आया, 12 न्यूटन। आई होप आपको इस बार थोड़ा समझ में आया। अच्छा, अगर मान लो आपने ग्राउंड पे एक डायगोनल ड्रॉ किया है ना, आपने घर के रूम में देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया है, और एक वॉल, ये आपका लाइन जो है ये है वॉल, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये पीछे वाले वॉल के कॉर्नर और आगे वाले वॉल के कॉर्नर, इन दोनों को मिलाएगा। ये कॉर्नर है पीछे वाले वॉल का, नीचे वाला कॉर्नर है, और ये आगे वाले वॉल का ऊपर वाला कॉर्नर है, ठीक है। इन दोनों को, ये जो डायरेक्शन है, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी दिस इज 12 न्यूटन, और इसको मैंने डी लिखा है। तो व्हाट विल बी आंसर, आंसर विल बी एफ नेट इज इक्वल टू 12 न्यूटन अलोंग ओ डी। देखो ये यहां पे मैंने इसको डी लिखा है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। आई होप आपको थोड़ा ये समझ में, अभी ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी करेंगे, बट ये तीन वेक्टर को ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना।
कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको दिया है सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन, यानी सिंपली अगर आपने ऐड किया दो फोर्स को तो आएगा कितना वैल्यू 16 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर स्टेटमेंट आपको दिखता है कि दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो अगर किसी एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर है ना, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द फोर्सेस या आपसे पूछेगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसमें आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, इसमें हमेशा ध्यान रखो कि चूंकि ये रिजल्टेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो दो जो वेक्टर आप ड्रॉ करोगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहिए। मान लो ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट इन दोनों का ये रिजल्टेंट, ठीक है। यानी यहां पे अगर मान लो मैंने लिया कि लेट सपोज मैंने इसको लिया कि ये जो वेक्टर है, ये जो फोर्स है, ये एफ वन वैक्टर को रिप्रेजेंट करता है और ये एफ टू वैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जाहिर है कि F1 स्मॉलर है ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना है तो ये बेस है तो ये छोटा होगा, हाइपोटेनस बड़ा होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये है R, ठीक है। तो सबसे अगर ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया तो एक इक्वेशन तो आपको मालूम है जो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, और वो क्या आएगा, एफ टू स्क्वायर माइनस एफ वन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आप हमेशा यूज कर सकते हो। एक और इक्वेशन चाहिए होगा तो उसके लिए देखो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, यहां पे दिया है ना द सम ऑफ टू फोर्सेस इज 16 न्यूटन, यानी आपको एक इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं, ये क्या हो गया एफ टू स्क्वायर माइनस एफ वन स्क्वायर, आर कितना दिया है बच्चों, ये दिया है 8, तो 8 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 64। अच्छा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, F2 प्लस F1 इंटू F2 माइनस F1, और ये कितना हो गया दिया हुआ है 64। इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, ठीक है, ये इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, ओके। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का सम, सेकेंड इक्वेशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, F2 प्लस F1 इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो F2 प्लस F1 का जगह 16 रख दें क्या, रख दें, चलिए आपने बोला तो रख देते हैं, 16 इंटू ये क्या हो गया F2 माइनस F1 इक्वल टू 64। तो F2 माइनस F1 क्या आ गया, 4 आ गया, आया ना 4, ठीक है, ये कट किया मैंने, इधर आ गया 4। और F2 प्लस F1 कितना दिया हुआ है, F2 प्लस F1 ये दिया हुआ है 16 ही है ना, हाँ 16 है, यानी ऐड करोगे तो आपको क्या आया 2F2 इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स F2 इक्वल टू 10 न्यूटन एंड F1 इक्वल टू, डिफरेंस कितना है 4 है ना, तो ये कितना होना चाहिए 6 न्यूटन होना चाहिए। यानी ये जो स्मॉलर है इसका वैल्यू 6 आया और इसका वैल्यू 10 आया, ठीक है। चलो ये आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि चलो एंगल भी बताइए, है ना, एंगल बिटवीन एफ वन वैक्टर एंड एफ टू वैक्टर, तो बहुत जगह बहुत बार क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ये एंगल बता देते हैं, ये थीटा निकाल लेते हैं, थीटा, चलो ये तो आप थीटा निकाल ही सकते हो, थीटा कैसे निकालोगे, तो आपको तीनों साइड पता है तो साइन कॉस टेन कुछ भी यूज कर सकते हो, है ना, लेकिन चलो मैं कॉस यूज करता हूं, कॉस मेरा फेवरेट है। तो अगर मान लो मैंने कॉस थीटा लिखा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये क्या हो गया 6/10, यानी ये क्या आया 3/5। और ये याद रखो अगर cos थीटा 3/5 है इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है 53 डिग्री, यानी ये एंगल कितना मिला आपको 53 डिग्री, बट ये आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ऐसा है ना डायरेक्शन,
और इसका डायरेक्शन इधर है ऐसे, तो जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होना चाहिए, है ना। और ये एंगल को अगर मैंने थीटा डैश लिखा तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, थीटा डैश इक्वल टू 180 माइनस 53 एंड दैट इज 37 डिग्री, सॉरी 127, करेक्ट, ये 37 लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, देखो मैंने यहां पे एक प्रॉब्लम लिखा है, और प्रॉब्लम क्या है कि द रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है, टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को समझो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें वही है, अगर दो वेक्टर है ऐसे हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। कहने के मतलब अगर मान लो ये मैंने लिया ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये है रिजल्टेंट आर वेक्टर, तो दिया हुआ है कि जो रिजल्टेंट है वो ए पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में और क्या दिया हुआ है कि ए और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो बी का हाफ है ना, मतलब ए आर के जगह में हम क्या लिखेंगे, बी बाय टू। तो एंगल पूछ रहा है, मतलब कौन सा एंगल पूछ रहा है आपसे, ये एंगल पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम कौन सा एंगल निकालते हैं, ये एंगल निकालते हैं थीटा, और ये थीटा निकालने के लिए देखो ये आपको इन दोनों का रिलेशन मालूम है तो ये दोनों का इक्वेशन यूज करो, क्योंकि थीटा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो आप साइन थीटा यूज कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कितना है परपेंडिकुलर, बी बाय टू, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है, बी है, दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 1/2, इट विल गिव यू थीटा इज 30 डिग्री, बट दिस इज नॉट योर आंसर, योर आंसर विल बी दिस एंगल, ठीक है, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है ना, ये डायरेक्शन है ना दोनों वेक्टर का, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल निकालेंगे, तो ये एंगल आपको मालूम है 180 बाय 30 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 150 डिग्री, दैट इज योर आंसर। आई होप सबका आंसर यही आया हो, ठीक है। अच्छा चलो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा उसका भी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लो। ओके, अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ पे एक क्वेश्चन करते हैं, लेट सपोज कि एक पॉइंट पे, एक पॉइंट यहां पे है, ठीक है, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स F1 जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 250 और डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ की तरफ, और दूसरा फोर्स लग रहा है F2, है ना, जो कि ईस्ट की तरफ लग रहा है, और उसका कितना मैग्नीट्यूड है, उसका है मैग्नीट्यूड 500 न्यूटन। निकालना है आपको F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर। तो क्या किसी के मन में ये आंसर आ रहा है कि 500 माइनस 250 कर देते हैं आंसर 250 होगा, आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ऐसे आप एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, और कॉन्सेप्ट क्या है सब्ट्रैक्शन का, कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो मतलब एक्चुअल में आप इसको ऐड ही कर रहे हो, लेकिन F2 को F1 के साथ नहीं बल्कि F1 के नेगेटिव के साथ ऐड कर रहे हो। तो देखो F1 अगर ऊपर है तो F1 का नेगेटिव किधर होगा, नीचे होगा, यानी एक्चुअल में आप इन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, ये कितना है, कौन सा वेक्टर है, ये माइनस F1 वेक्टर है। और अगर आपने इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो फिर से हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, इस पैरेललोग्राम को आपने क्या किया, इधर कंप्लीट किया, तो इस कंडीशन में इसका जो ये डायगनल होगा, जो कॉमन पॉइंट से आया है, देखो ये जो डायगनल होगा, एक सेकेंड इसको फिर से ड्रॉ करता हूं मैं, है ना, इसको ये जो डायगोनल, ओहो ठीक है, ये पूरा ये हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, ये जो वेक्टर था ये ऐसा था, ठीक है, ओके। अब इसका जो डायगोनल है, इस डायगोनल के अलोंग, है ना, इस डायगोनल के अलोंग जब आप ड्रॉ करोगे तो ये एक्चुअल में रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, F2 वेक्टर और माइनस F1 वेक्टर का, ठीक है, और ये जो आंसर आएगा ऐड करके,
है ना। देखो फिर से करता हूँ इसको ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से फील आए। ये जो डायगनल है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और क्या निकालेंगे, इसका डायरेक्शन तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले चलो निकालते हैं मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं पहले बताओ। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आप यूज करते हो आर इक्वल टू है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। बस ये माइनस यहाँ पे ऐड हो जाता है, प्लस नहीं रहता है। एडिशन में, एडिशन का मैग्नीट्यूड में और सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड में यही डिफरेंस है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। यानी आर का फॉर्मूला इस वाले कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए को यहाँ पे दो फोर्स है तो एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 250 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 62500, और ये कितना हो गया, दिस इज 25000, ठीक है, यही है ना, ठीक है। अब ये कितना, यहाँ से आप 250 को कॉमन करके बाहर में निकाल सकते थे, है ना। अगर आपने 250 को बाहर निकाल दिया होता तो आपको वही आंसर आता, और ये कितना आंसर आता है 250, 1 प्लस 2 मतलब 250 रूट 3 न्यूटन, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब सवाल आता है, चलो फोर्स तो निकल गया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन के लिए ये देखो, ये एंगल अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका मैंने आपको बताया है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताया है, एक तो आप टेन अल्फा का फॉर्मूला याद करो, ठीक है। टेन अल्फा अगर मान लो फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा है आपको, है ना, तो टेन अल्फा आप यहां पे अगर आपने इस एंगल को अल्फा लिख दिया तो अब आपको मालूम है कि ये चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पे टेन अल्फा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, और डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन चूंकि आपको फॉर्मूला अभी याद होना चाहिए इसलिए मैं प्रॉपर लिखता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, बी साइन थीटा। यहां पे बी क्या है, इस वाले कंडीशन में बी एफ वन है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ वन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, एफ टू माइनस एफ वन कॉस थीटा। ये होता है ना फॉर्मूला, प्लस जगह क्या हो जाता है, माइनस, थीटा तो 90 डिग्री है तो एफ वन साइन 91 होता है बाय एफ टू, कॉस थीटा क्या है, कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। तो देखो वही आ गया ना राइट एंगल ट्रायंगल में जो मैंने आपको बताया था, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर। अगर ये अल्फा है तो ये लाइन परपेंडिकुलर है, और ये कौन सा लाइन है, ये एफ वन है, ये F1 है। हमें सिर्फ लेना है इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं लेना है। और ये बेस ये कितना है, F2। F1 कितना है बच्चों, F1 शायद 250 है, हाँ इतना ही तो है। और F2 कितना है, F2 500 था क्या, F2 500 है ना, ये F2 500 है। अगर आपने इसको कट किया तो वैल्यू क्या आया, 1/2। दैट मींस डायरेक्शन आप कैसे लिखोगे, डायरेक्शन आप कैसे लिखोगे साइड में, चलो यहां पे लिखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन आप लिखोगे टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और एफ नेट का वैल्यू कितना आया, 250 रूट 3 न्यूटन, दैट इज योर आंसर, ठीक है। एडिशन से ऐड करके जो वैल्यू आता है उसमें भी नेट लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन करके जो वैल्यू आ रहा है उसमें भी हम नेट लिखते हैं, ठीक है। यानी ये जो आपका आंसर आया, ये आंसर क्या है, 250 रूट 3 न्यूटन अलोंग या एट ए डायरेक्शन, क्या लिखेंगे, एट डायरेक्शन टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो सब्ट्रैक्शन में, थोड़ा और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगा, है ना, जो मैंने उस दिन आपको दिया था। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने एक लिखा है,
पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक कार वन का ए कार इज मूविंग विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, किधर? टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। एक कार है जो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। उसके बाद इट टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ अब मुड़ जाता है, ठीक है। अब ये नॉर्थ की तरफ ऐसे मुड़ गया, बट स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब यहां पे भी कितना स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, कितनों को ये लग रहा है कि आंसर जीरो आएगा, इधर भी स्पीड जीरो है, वहां पे इधर भी स्पीड 20 है, उधर भी स्पीड 20 है, तो कुछ तो चेंज हुआ ही नहीं। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपसे चेंज इन स्पीड नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा आपसे? चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी चेंज हो गया, हुआ कि नहीं। यानी अगर मान लो कि आपने इसको माना है v1 वेक्टर और इसको एज्यूम किया है v2 वेक्टर, तो आपको निकालना क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी फाइनल दैट इज v2 माइनस वेलोसिटी इनिशियल दैट इज v1। तो ये निकालने का, सबसे पहले तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि अभी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। इस वाले क्वेश्चन में अगर देखो तो v1 और v2 दोनों v है, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v इंटू वी, और एंगल कितना होता है ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल, ये एंगल तो 90 होता है ना, तो cos 90 क्या है? जीरो। यानी डेल्टा v का फॉर्मूला यहां पे क्या आएगा? √2v। क्या आया? √2v। और v कितना दिया हुआ है? 20। मतलब ये आंसर तो फ्रेंड्स जीरो नहीं आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है? 20√2 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन को समझने के लिए फिर से आप इसी कॉन्सेप्ट पे आओ, जब आप माइनस करते हो तो एक्चुअल में ये एडिशन है v2 और माइनस v1 का, यानी v1 तो किधर है? ईस्ट की तरफ है, तो अगर इसका नेगेटिव लेंगे किधर लेंगे? वेस्ट की तरफ लेंगे। तो नेगेटिव कहां पे बनाना चाहिए ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए? जहां पे पहले वेक्टर का हेड है ना, यानी आपको एक वेक्टर यहां पे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये किधर है? दिस इज टुवर्ड्स वेस्ट। तो अगर ये v1 मान लो, इसको माना, अगर आपने v1 माना है पॉजिटिव वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस v1 वेक्टर, क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया लेकिन वैल्यू वही है। तो इस वाले क्वेश्चन में अब अगर इन दोनों का आपने रिजल्टेंट निकाल दिया ट्रायंगल लॉ से, एक के हेड पे दूसरे का टेल है, तो जाहिर है कि ये जो लाइन अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है, ये जो लाइन मैं अभी ड्रॉ करूंगा, ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। यानी ये किसका रिजल्टेंट है? v2 और माइनस v1 का। दैट मीन्स v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर का ये डायरेक्शन है। एंगल के लिए तो आपको मालूम है, एंगल चूंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो ये एंगल बायसेक्टर के अलोंग होगा, तो अगर ये पूरा 90 था तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी चेंज इन वेलोसिटी बिल्कुल नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, यानी आप आंसर क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 20√2 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ वेस्ट, दैट इज द आंसर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो। मुझे इस वीडियो के एंड में ये जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। मैंने पहला वीडियो बनाया है पैड पे, कोई आप करेक्शन चाहते हो, कुछ आप और इसमें चाहते हो तो मुझे आप बताओ, ठीक है, फिर वैसे करेंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।